नमस्कार दोस्तों। दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जब सेल्स की एंट्री हम करते हैं, सेल्स का इनवॉइस हम क्रिएट करते हैं, और उस समय CSGST और SGST का लेजर सेलेक्ट करने के बाद भी यदि GST का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं होता है, अमाउंट ऑटोमेटिक नहीं आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसका क्या सॉल्यूशन होगा, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। दोस्तों आज हम उसका एक और पार्ट जो है और क्लियर करने वाले हैं, और उस पार्ट को क्लियर करने के बाद डेफिनेटली आपका काम करने का जो जो टाइम है वो काफ़ी बचेगा, आपकी काम करने की जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। मैं आपको लेके चलता हूँ वाउचर्स में, और थोड़ा थोड़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है उसके लिए दोस्तों आपको लास्ट वीडियो हमारा देखना होगा, जिसका जो लिंक है, वीडियो का लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, और आप जरूर उस वीडियो को देखें क्योंकि वहां से भी आपको काफी कुछ नया जो है वो दोस्तों सीखने को मिलेगा। और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो और भी आपका ये टॉपिक शानदार होगा और अच्छे से तैयार होगा। और दोस्तों एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि इसी का एक पार्ट जो है दोस्तों मैं और तैयार करूंगा, थर्ड पार्ट, जो आपको जो है ये काम करने का जो तरीका है वो और शानदार तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों मैं लास्ट जो टॉपिक है उसको रिपीट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर कैश में चलना है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल लेजर जो आपने सेलेक्ट किया होगा, और उसके बाद सेल्स का लेजर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, जो स्टॉक आइटम आपने सेल किया आप स्टॉक आइटम को सेल करते हैं, और कहाँ से आपने इसको बेचा है आप उसकी डिटेल दे देते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक डिटेल्स है दोस्तों आपको देनी है यहाँ पर। और अब आपने देखा कि इतना करने के बावजूद यहाँ पर जब हम, आपको पता है कि यहाँ पर CGST और SGST का जो लेजर है, ठीक है, तो वो हम खुद सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। फिलहाल लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सपोज आप यहाँ पर CGST ले लेते हैं और SGST ले लेते हैं, ठीक है, ये मैंने कुछ लेजर सेलेक्ट करें GST के। तो दोस्तों लास्ट वीडियो हमारा ये था कि यहाँ पर CGST और SGST लेने के बावजूद यहाँ पर GST का जो कैलकुलेशन अभी जो आपके सामने आ रहा है ये अमाउंट नहीं आए दोस्तों। तो इस अमाउंट को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसका जो पार्ट है वो लास्ट वीडियो में तैयार हो चुका है, आपको वो उपलब्ध है, आप उसको जरूर देखें। फिलहाल आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यहां पर जब हम सेल्स की एंट्री करते हैं तो CGST और SGST का जो लेजर है दोस्तों ये हम खुद सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि ये लेजर भी हमें सेलेक्ट ना करना पड़े, इस लेजर को सेलेक्ट करने में जितना टाइम हमारा वेस्ट होता है वो हम कैसे बचाएं। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, एल्टर में चलना है, एल्टर में चलने के बाद आप वाउचर टाइप में चलेंगे और आप इस सेल्स वाउचर को सेलेक्ट करेंगे, और दोस्तों डायरेक्ट आपको जो है बिना टाइम वेस्ट किए आपको यहाँ पर आना है एनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस पे, ठीक है दोस्तों, इसको आप यस कर लीजिए। सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज इसको भी आप यस कर लीजिए, और यहाँ पर ये डेटा मैंने पहले से फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेल्स का लेजर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ आना है एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज, जिसमें आप टैक्सेस हैं, अदर चार्जेस हैं जो आप इनवॉइस के अंदर ऐड करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर CGST SGST को सेलेक्ट कर लीजिए, राउंड ऑफ को यदि आप लगाना चाहते हैं इनवॉइस में तो राउंड ऑफ भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, और राउंड ऑफ सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। लेकिन दोस्तों आप कन्फ्यूज मत होना, यदि आप CGST और SGST की जगह आप इनपुट और आउटपुट जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, इनपुट और आउटपुट जो आप यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पर आउटपुट CGST लेना है और आउटपुट SGST लेना है, क्योंकि हम ये पूरा सेटअप सेल्स इनवॉइस में कर रहे हैं। तो आउटपुट जो है CGST और आउटपुट SGST वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, और यदि आप CGST SGST कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। राउंड ऑफ में आप ये ले लें यहाँ पर ऑप्शन, और इस प्रकार आप इसे यस कर दें। लास्ट में आपको एक मैसेज मिलेगा एक्सेप्ट का, जिसको आपको यस करना है, एक्सेप्ट करना है। बस दोस्तों इतना सा करने के बाद हमें एक इतनी शानदार फैसिलिटी मिल जाएगी जो हमारा टाइम भी बचाएगा और हमारे काम का स्पीड भी बढ़ा देगा। देखिए आपको क्या करना है, वाउचर्स में चलना है, और जस्ट थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था, बताया था कि मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, तो आपने देखा कि CGST और SGST जो है ये खुद मैंने सेलेक्ट किया था। अब आगे के लिए क्या होगा कि ये लेजर ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, बस आपको यहाँ पर पार्टी का जो डिटेल है वो बताना है कि माल आपने उधार में बेचा है कि नगद में बेचा है, ठीक है। और उसके बाद आपको सेल्स का लेजर सेलेक्ट करना है, जो प्रोडक्ट आपने सेल किया वो प्रोडक्ट आपको बताना है, ठीक है। गोडाउन आप बता दीजिए कि आपने माल कहाँ से बेचा है, जैसे हम वेयर हाउस दे देते हैं, क्वांटिटी एक दे देते हैं, और ये देखो दोस्तों अब इस बार अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। और प्लस साथ साथ में एक चीज़ आपको और देखनी है कि यहाँ पर CGST SGST जो लेजर आप खुद सेलेक्ट करते हैं दोस्तों, अब आपको लेजर सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज कारण वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लगा हुआ आएगा। और अब आप देखो कि यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं आया दोस्तों, क्योंकि इसको राउंड ऑफ की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि 2,500 रुपये ऊपर लिखे हुए, 225 और 225 ये अमाउंट नीचे लिखा हुआ, तो यहाँ पर राउंड ऑफ की कोई आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन जहाँ कहीं भी आप इसको लगेगा टेली को कि भैया यहाँ पर राउंड ऑफ होना चाहिए, तो देखो दोस्तों यहाँ पर राउंड ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। अब पैसे को माइनस में करना है या पैसे को प्लस में करना है ये भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसका एक थर्ड पार्ट और आने वाला है जल्दी ही।